We are starting with third unit, and the name of the unit is memory management. So we are going to discuss about the management functions that are performed by the operating system related to your memory. ठीक है जी, यानी जो आपकी मेन जो मेमोरी होती है उसको किस तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करता है. हाउ डू वी मैनेज द मेन मेमोरी इंटर सिस्टम, हाउ द प्रोसेसेस आर बीइंग एग्जीक्यूटेड, हाउ इट इज बीइंग शेयर्ड. ठीक है जी, वो सारी चीजें पढ़ेंगे इसके अंदर, मेमोरी मैनेजमेंट. ठीक है जी, तो ये जनरली क्या बता रहा है कि भाई जिस तरीके से हमने जो प्रीवियस जो यूनिट पढ़ी थी उसके अंदर हमने पढ़ा था रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू योर सिस्टम एंड प्रोसेसेस. ठीक है, तो उसके अंदर क्या था कि भाई जैसे आपके पास प्रोसेसेस बहुत सारी होती हैं सिस्टम के अंदर, और आपके पास एक सिंगल सीपीयू होता है जो एग्जीक्यूट करता है प्रोग्राम्स. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि सीपीयू इज बीइंग शेयर्ड अमंग द डिफरेंट प्रोसेसेस. ठीक है, सेम एज द कंसेप्ट विद मेमोरी. यहाँ पे जो मेमोरी होती है वो भी आपके पास ऐसा नहीं है कि हर एक प्रोसेस की अलग अलग मेमोरी यूनिट होती है. ठीक है, एक सिंगल मेमोरी इज बीइंग शेयर्ड विद ऑल द प्रोसेसेस. ठीक है जी, तो आप इतनी सारी प्रोसेसेस अगर इफ वी आर डीलिंग इन अ मल्टीटास्किंग एनवायरनमेंट तो क्या कर रहे हैं हम डिफरेंट प्रोसेसेस के साथ डील कर रहे हैं एट द सेम टाइम. तो वहां पे क्या होगा कि प्रोसेसेस की रिक्वायरमेंट्स भी अलग होती हैं, उनका यूसेज पैटर्न भी डिफरेंट होता है. तो जो मेमोरी है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, इफेक्टिवली मैनेज करवाना पड़ेगा ताकि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन आपके मेमोरी का भी रहे और जो सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है, जो सिस्टम की जो थ्रूपुट है, दैट मस्ट बी एडेक्वेट इनफ. ठीक है, वो भी सफिशियंट होने चाहिए, ऑप्टिमल होने चाहिए, मैक्सिमम होने चाहिए. ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें मेमोरी जो है हमारी उसको मैनेज करना पड़ेगा. बिकॉज ऑल द टास्क विच आर बीइंग एग्जीक्यूटेड इन योर सिस्टम आर इन मेमोरी. ठीक है जी, यानी कि एग्जीक्यूशन आपका जो भी होता है वो सारा किसके अंदर होता है, मेमोरी के अंदर होता है. तो हमें उस चीज को थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, मैनेज करके चलना. तो जब हम बात कर रहे हैं मेमोरी मैनेजमेंट की, तो मेमोरी को एड्रेस, मेमोरी को यूज करने के लिए, मेमोरी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं मेमोरी एड्रेसेस. ठीक है जी, तो जो मेमोरी एड्रेसेस होते हैं वो दो तरीके के होते हैं. एक तो आपका लॉजिकल एड्रेस होता है जी, और एक आपका क्या होता है, फिजिकल एड्रेस. ठीक है, लॉजिकल आपका एड्रेस जो होता है वो तो होता है आपका वर्चुअल एड्रेस विच इज नॉट एक्चुअली एग्जिस्टिंग इन योर सिस्टम. जो आपके सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा लेकिन वो है. ठीक है, वो कहाँ पे है, दैट एड्रेस इज बीइंग यूज्ड बाय द यूजर एट द टाइम ऑफ व्हेन यू आर राइटिंग द प्रोग्राम, व्हेन यू आर मेकिंग सम प्रोग्राम, यानी के एट कंपाइल टाइम. ठीक है जी, यानी कंपाइल टाइम के ऊपर, जब भी आप थोड़ी देर पहले आप C++ पढ़ने लग रहे थे तो आपको अच्छे से पता होगा कि यू when you are writing some program, so you need to manage your memory addresses. यानि कि memory को आपको reference देना पड़ता है either direct by the address or through a pointer. ठीक है जी, उसका reference. तो जैसे भी आप use कर रहे हो लेकिन memory तो आपको use करनी पड़ेगी क्योंकि data के साथ deal करना है, आपको data के साथ काम करना है. तो data को store करवाना पड़ेगा कहीं ना कहीं, program को store करवाना पड़ेगा. तो जो addresses आप use करते हो at compile time उनको तो हम बोलते हैं लॉजिकल एड्रेस. जो लॉजिकली तो आपने रिप्रेजेंट कर दिए लेकिन एक्चुअली दे डजंट एग्जिस्ट इन टू योर सिस्टम. ठीक है जी, तो सिस्टम के अंदर कौन एग्जिस्ट करता है, सिस्टम के अंदर फिजिकल एड्रेसेस एग्जिस्ट करते हैं जी. यानी कि वो एड्रेसेस जो आपकी जो फिजिकल मेमोरी होती है सिस्टम के अंदर उसके जो एड्रेसेस होते हैं उनको हम बोलते हैं फिजिकल एड्रेसेस. ठीक है जी, जैसे आप रैम यूज करते हो, आपकी मेन मेमोरी आपकी रैम होती है, तो वो क्या होती है, वो ब्लॉक्स में डिवाइडेड होती है और हर एक ब्लॉक का क्या होता है, एक डिफरेंट एड्रेस होता है. ठीक है, उस एड्रेस को हम बोलते हैं फिजिकल एड्रेस. और लॉजिकल एड्रेस होता है जो सीपीयू जनरेट करता है जब आपका प्रोग्राम कोई भी होता है उसको आप
क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से क्लियर है लॉजिकल और फिजिकल एड्रेसेस के अंदर डिफरेंस, ठीक है जी। अब इसके अंदर कुछ छोटे छोटे टर्म्स हम पहले समझ लेते हैं। एक तो होता है आपका रिलोकेटेबल। रिलोकेटेबल आपको पता है, रिलोकेटेबल कोड वो कोड होता है जिसको हम कहीं पे भी मेमोरी के अंदर क्या करवा सकते हैं, रिजाइड करवा सकते हैं, ठीक है जी। दूसरा क्या होता है, बाइंडिंग। बाइंडिंग क्या होता है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जिसके अंदर आपको बाइंड करना पड़ता है आपके लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस के अंदर, ठीक है। यानी कि क्योंकि आप प्रोग्राम कंपाइल टाइम पे आप क्या यूज कर रहे हो, लॉजिकल एड्रेसेस यूज करने लग रहे हो, तो आपको वो लॉजिकल एड्रेसेस क्योंकि रियल में एग्जिस्ट करते ही नहीं सिस्टम के अंदर, तो आप उन आपको क्या करना पड़ेगा, वो लॉजिकल एड्रेसेस मैप करवाने पड़ेंगे आपके फिजिकल एड्रेसेस के साथ, क्योंकि एक्चुअल जो एग्जीक्यूशन होना वो कहाँ पे होना है, फिजिकल एड्रेस के ऊपर होना है, फिजिकल लोकेशन के ऊपर होना है, ठीक है जी। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, मैपिंग करनी पड़ती है आपकी उस लॉजिकल एड्रेस की फिजिकल एड्रेस, ठीक है जी। फिर आपका कंपाइलर आता है, जो आप सबको पता है कंपाइलर क्या होता है, ठीक है जी। एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है, ठीक है जी, सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं इसको, पार्ट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, जो क्या करता है, जो आपकी लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है किसके अंदर, एक ऐसे कोड के अंदर दैट कैन बी यूज बाय द मशीन, ठीक है जी। और मशीन को यूज करने का मतलब क्या है कि आप उस कोड को कहीं पे भी क्या करवा सकते हो, रिलोकेट करवा सकते हो, ठीक है जी। उसके बाद लोड, लोडिंग का काम क्या होता है, जो कोड आपका, जो रिलोकेटेबल कोड जो जनरेट होता है आपका कंपाइलर से, उस रिलोकेटेबल कोड को क्या करवाता है, वो आपके मेन मेमोरी के अंदर क्या करवाता है, लोड करवाता है, मेन मेमोरी के अंदर क्या करवाता है, रिलोकेट करवाता है, ठीक है जी। क्योंकि अल्टीमेटली एग्जीक्यूशन मेन मेमोरी में होना है, ठीक है। तो ये जो कंपाइलर जो काम करता है वो एक इंटरमीडिएट काम होता है, ठीक है, कि उसका जो ऑब्जेक्ट कोड क्रिएट करके दे देता है जो रिलोकेटेबल होता है, उस ऑब्जेक्ट कोड को ये लोड करवाता है आपका मेन मेमोरी के अंदर फॉर एग्जीक्यूशन बाय द सीपीयू, ठीक है जी। और उसके बाद क्या होता है, एग्जीक्यूशन, यानी कि आपका मेन मेमोरी में प्रोग्राम चल गया, तो अब यहाँ पे क्या होगा, यर एग्जीक्यूशन विल बी कैरिड आउट फॉर द पर्टिकुलर प्रोग्राम, ठीक है जी। तो अब हम बात कर रहे हैं लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में बाइंडिंग करने की, ठीक है। तो ये कंपाइल टाइम पे भी कर सकते हैं और रन टाइम पे भी बाइंडिंग कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर होता क्या है, जो लॉजिकल जो एड्रेस होता है वो आपको किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट होता है, ठीक है जी। आप डायग्राम के अंदर ये दिखाया है कि इंडिविजुअल जो प्रोग्राम्स होते हैं वो किस तरीके से आपके फंक्शनिंग करते हैं, और आपका जो पूरा जो कोड है वो सोर्स कोड है, वहाँ से पूरा जब वो एग्जीक्यूशन स्टेज में जाता है तो किस तरीके से कहाँ किस किस स्टेज के थ्रू वो मूव होता है, ठीक है जी। तो सबसे पहले आपको पता है आपका सोर्स कोड होता है तो किस में कन्वर्ट होता है, ऑब्जेक्ट कोड में, कौन करता है, कंपाइलर, ठीक है जी। अब ये तो एक ऑब्जेक्ट कोड हो गया, इस तरीके से और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट कोड्स हो सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या करेगा, उसके लिए आगे काम आता है लिंकर। तो लिंकर क्या काम करता है, जितने भी इसके ऑब्जेक्ट कोड्स होते हैं एक पर्टिकुलर प्रोग्राम के, उन सभी को क्या करता है, कंबाइन करके एक फाइनल कोड जनरेट करता है, एक फाइनल एग्जीक्यूटेबल कोड, ठीक है जी। और वो एग्जीक्यूटेबल कोड फिर क्या होता है, वो एग्जीक्यूटेबल कोड इज बीइंग लोडेड बाय द लोडर इनटू योर मेन मेमोरी, जहाँ पे अदर जो सब रूटीन, जो इनबिल्ट सब रूटीन्स और लाइब्रेरीज वगैरह जो होती हैं आपकी, वो सब वहां से इन्वोक होती हैं और आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, ठीक है जी।
नाम सम फर्दर डेफिनेशन डायनेमिक लोडिंग। डायनेमिक लोडिंग क्या होती है? तो डायनेमिकली एट द रन टाइम, ठीक है जी, यानी कि इसके अंदर क्या होता है, रूटीन तब तक लोड नहीं होता जब तक कि वो कॉल नहीं होता, यानी कि इसके अंदर क्या होता है, वेरी सिंपल स्ट्रेटेजी इज दैट कि आपका जो पूरा जो कोड है, जो प्रोग्राम है, वो कंप्लीटली लोड नहीं होके मेमोरी के अंदर क्या होता है, पार्ट ऑफ द कोड इज बीइंग लोडेड इनटू योर मेमोरी, ठीक है जी, यानी कि पूरा प्रोग्राम एक साथ लोड नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास मेमोरी क्या होती है, लिमिटेड, तभी मेमोरी को यूटिलाइज करना पड़ेगा एफिशिएंटली। इसलिए हम क्या करते हैं, सिर्फ वही कोड हम लोड करवाते हैं मेमोरी के अंदर जिस कोड की करंटली एग्जीक्यूशन के अंदर रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है जी, बाकी कुछ क्या करते हैं, सब बाहर रखते हैं, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रोग्राम्स एक साथ एग्जीक्यूट हो सके, पैरेललिज्म को अचीव करने के लिए हम ऐसा करते हैं, ठीक है जी। तो डायनेमिक लोडिंग होती है जिसके अंदर जो प्रोग्राम के जो पार्ट्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं, लोड करते हैं। कब लोड करते हैं, जब रिक्वायरमेंट होती है, जब उसको कॉल किया जाता है, जिसकी भी जरूरत होगी, जिस भी प्रोग्राम की, जिस भी रूटीन की जरूरत होगी, उसको कॉल किया जाएगा और उसको मेमोरी में लोड कर लेंगे, उसका एग्जीक्यूशन होगा, उसको बाहर भेज देंगे और दूसरे रूटीन की जरूरत पड़ेगी उसको बुला लेंगे, वो होता है आपका डायनेमिक लोडिंग। उसके बाद डायनेमिक लिंकिंग, ये भी वही चीज है, रिलेटेड है, ठीक है, क्या कि जो आप जो डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट कोड्स होते हैं उनको कंबाइन करने का काम करता है लिंकर, ठीक है। तो यहाँ पर डायनेमिक लिंकिंग मतलब क्या आता है, जो एग्जीक्यूशन टाइम के ऊपर लिंकिंग कर रहे हैं हम, यानी कि इसके अंदर क्या होगा, जो जिस भी प्रोग्राम मॉड्यूल की, जिस भी ऑब्जेक्ट कोड की रिक्वायरमेंट होगी उसको उसी टाइम पे क्या करेंगे, लिंक किया जाएगा आपके मेन कोड के साथ, ठीक है, जब उसको कॉल किया जाएगा सिस्टम के अंदर, ठीक है जी, डायनेमिकली एट द रन टाइम, और उसी टाइम पे वो क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, ठीक है जी, चाहे वो कोई इनबिल्ट लाइब्रेरी है या कोई अदर सब मॉड्यूल ऑफ योर प्रोग्राम है जो आपने बनाया हुआ है, ठीक है जी। उसके बाद मेमोरी मैनेजमेंट जो है, जो मॉड्यूल वो क्या करता है, वही करता है ये सारे काम, ठीक है, क्योंकि इसीलिए जो हमने बताया ना कि बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, बहुत सारे प्रोसेसेस हैं आपके पास और मेमोरी एक ही है, तो एक ही मेमोरी को डिफरेंट प्रोसेसेस, डिफरेंट टास्क के अंदर अगर आपको असाइन कराना है, एलोकेट कराना है, उसको इफेक्टिवली मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है, तो उसी के लिए होते हैं डायनेमिक लोडिंग एंड लिंकिंग, ताकि मेमोरी को इफेक्टिवली आप मैनेज करके और मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोग्राम्स प्रोसेसेस को आप एग्जीक्यूट करवा पाए एट द सेम टाइम, ठीक है जी। उसके बाद आता है सिंगल पार्टीशन अलोकेशन। सिंगल पार्टीशन का मतलब होता है, आपको पता है, आप मेमोरी, आप एक अगर ब्रॉड सेंस में भी देखें तो आप जो हार्ड डिस्क आपकी जो होती है उसको आप क्या करते हो, उसको आप पार्टीशनिंग करते हो जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हो सिस्टम के अंदर। तो पार्टीशनिंग का मतलब क्या होता है, जैसे आपकी सी ड्राइव होगी, डी ड्राइव होगी, ई ड्राइव होगी, दीज आर द पार्टीशन ऑफ द सेकेंडरी स्टोरेज, ठीक है, वो किस लिए करते हैं, ताकि अलग अलग ब्लॉक्स बना दिए मेमोरी के, उनको आप डिफरेंट पर्पजेज के लिए क्या कर सको, यूज कर सको, ठीक है जी। तो सिंगल पार्टीशन अलोकेशन के अंदर क्या होता है, इट इज ए कंप्लीट बेयर मशीन, जिसके अंदर क्या होता है, एक सिंगल पार्टीशन होगा, सारा कुछ वहीं पे रिजाइड करेगा, तो जाहिर सी बात है वहां पे कोई प्रोटेक्शन नहीं होगी, कोई अदर यूटिलिटीज नहीं होंगी, ठीक है, और क्योंकि सिंगल ही पार्टीशन है तो उसको मैनेज करना इज इजी, तो कोई ओवरहेड भी नहीं होगा उसमें, ठीक है जी, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट है, ठीक है जी। हार्डवेयर डायग्नोस्टिक्स के लिए इसको यूज करते हैं, सिस्टम बूट कोड के जो होता है आपका वो यूज करते हैं, जब आपका सिस्टम स्टार्ट होता है तो जो आपके बूट फाइल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो चेक करते हैं ईच एंड एवरी हार्डवेयर पार्ट ऑफ द कंप्यूटर को बिफोर इट गेट्स स्टार्टेड, कि भाई सारे जो मॉड्यूल्स हैं, जितने भी हार्डवेयर पार्ट्स हैं, वो सारे प्रॉपरली काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ठीक है जी। तो क्योंकि एक सिंगल पार्टीशन एलोकेशन है तो इसके अंदर आप कितना सी बात, जो लॉजिकल एड्रेस होता है वही आपका क्या होता है, फिजिकल एड्रेस होता है, और इसके अंदर यूजर का कंट्रोल क्या होता है, कंप्लीट होता है।
उसके बाद बताया जी डेफिनेशन ऑफ पार्टीशंस। तो पार्टीशन की आप पहले ही बता चुका हूँ कि आप क्या कर रहे हो, आप मेमोरी को डिवाइड कर रहे हो डिफरेंट ब्लॉक्स के अंदर, ताकि आप डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शंस, डिफरेंट काइंड ऑफ टास्क को आप डिफरेंट पार्टीशन के अंदर परफॉर्म कर सके। ठीक है, उससे होगा क्या कि भाई एक पार्टीशन है, दूसरे पार्टीशन से क्या होगा, बिल्कुल सेपरेट होगा, कोई इंटरफेयर नहीं होगा एक दूसरे का। तो मान लो एक यूजर एक पार्टीशन में काम कर रहा है, दूसरा यूजर किसी अदर पार्टीशन में काम करने लग रहा है, तो वो आपस में एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं कर पाएंगे, कोई इंटरप्शन क्रिएट नहीं कर पाएंगे। ठीक है जी, सेपरेशन इज अचीव। उसके बाद एक रेजिडेंट मॉनिटर एक टर्म यूज होती है इसके अंदर, सिंगल पार्टीशन एलोकेशन के अंदर, जो क्या होता है, एक प्रिमिटिव ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है जी, प्रिमिटिव ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब क्या है, एक ऐसा प्रोग्राम जिसके क्या है, जिसके लिमिटेड जिसकी कैपेबिलिटीज है। ठीक है जी, इसके अंदर होता क्या है, इट इज जनरली यूजुअली इन लो मेमोरी वेयर इंटरप्ट वेक्टर्स आर प्लेस्ड। ठीक है जी, जो लो मेमोरी होती है, जहाँ पे इंटरप्ट्स वगैरह आपके हैंडल होते हैं सिस्टम के अंदर, वहां पे इसको क्या करते हैं, होल्ड करते हैं। ये क्या चेक करता है जी, ये चेक करता है मेमोरी रेफरेंसेस को। जब भी कोई वेरिएबल होता है वो किसी मेमोरी रेफरेंस को कॉल करता है, तो वहां पे क्या करता है, ये चेक करता है कि भाई पर्टिकुलर रेफरेंस जो आ रही है वो लीगल है या नहीं है। ठीक है जी, लीगल का मतलब ये है कि भाई कोई ऐसा एड्रेस तो कॉल नहीं किया है कि मान लो वो एग्जिस्ट ही नहीं करता उस सिस्टम के अंदर, उसका क्या मतलब है। ठीक है जी, तो वो काम करते हैं। दूसरा चीज क्या होती है, कि जो प्रोग्राम जो आया है सिस्टम के अंदर कोई भी, उसका एग्जीक्यूशन का क्या होता है, कि ऐसा तो है नहीं कि प्रोग्राम आएगा सिस्टम के अंदर और वो जब मर्जी है तब एग्जीक्यूट होता रहेगा, और जितनी देर के लिए चाहे उतनी देर एग्जीक्यूट होता रहेगा। देर आर सम लिमिटेशंस, देर आर सम टाइम बाउंड्स। ठीक है, तो ये चेक करेगा कि भाई कोई पर्टिकुलर प्रोग्राम जो आ रहा है वो पर्टिकुलर उसका जो अलोकेटेड जो टाइम है उतने टाइम के लिए ही एग्जीक्यूट हो रहा है, या उससे ज्यादा टाइम तो नहीं लेने लग रहा है। अगर ऐसा कुछ है तो वहां पे वो क्या करेगा, इट विल एक्ट अकॉर्डिंगली। ठीक है जी, दूसरा काम क्या करता है, जो फिजिकल एड्रेसेस हैं और जो लॉजिकल एड्रेसेस हैं उन दोनों को क्या करता है, ये आइसोलेट करता है, आइसोलेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है जी, अब हम बात कर रहे हैं, जो हम वहां पे बात कर रहे थे लॉजिकल एड्रेसेस को फिजिकल एड्रेसेस में कन्वर्ट करने के। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जी, हमने बताया था, तो सीपीयू जो होता है आपका वो क्या करता है, वो एड्रेसेस जनरेट करता है, कौन से, लॉजिकल एड्रेसेस। ठीक है जी, उसके बाद क्या होता है, हमारे पास एक लिमिट रजिस्टर होता है, जो हम जो क्या डिफाइन करता है, लिमिट्स, जो एड्रेसेस की लिमिट्स होती है उनको चेक करता है। ठीक है जी, अगर वो लिमिट से लेस देन है एड्रेस, तब तो क्या करेगा, ठीक है, वो आगे उसको फॉरवर्ड कर देगा। अगर नहीं है तो क्या कर देगा, वहीं पे उसको डिस्कार्ड कर देगा, एरर जनरेट कर देगा। ठीक है जी, कि भाई ये जो एड्रेस है, पर्टिकुलर एड्रेस, ये तो बियॉन्ड द मैक्सिमम लिमिट ऑफ द एड्रेसेज है। ठीक है, तो वहां से क्या होगा, वो इलीगल एड्रेस हो जाएगा, उसको डिस्कार्ड कर देगा। और अगर लेस देन लिमिट रजिस्टर है, तो इसका मतलब क्या है कि वो फिजिबल एड्रेस है और उसको आगे फॉरवर्ड कर देगा, किसके पास, रीलोकेशन रजिस्टर के पास। ये रीलोकेशन रजिस्टर का क्या काम है, ये रीलोकेशन रजिस्टर क्या करता है, ये आपका लोकेट करवाता है किसको, उस लॉजिकल एड्रेस को आपकी मेन मेमोरी के अंदर। ठीक है जी, तो रीलोकेशन रजिस्टर है, लिमिट रजिस्टर तो क्या करेगा, उसकी लिमिट चेक करेगा कि भाई मेमोरी एड्रेसेस इस रेंज से इस रेंज तक है, तो उस रेंज के अंदर अगर ये एड्रेस पड़ता है तब तो ठीक है, नहीं तो उसको डिस्कार्ड कर देगा। अगर उस रेंज में है तो रिलोकेशन रजिस्टर के पास जाएगा एड्रेस, और वो क्या करेगा, उसको रिलोकेट करवाएगा आपकी मेन मेमोरी के अंदर। ठीक है जी, और जैसे मेन मेमोरी के अंदर कब होगा, जब उसका फिजिकल एड्रेस जनरेट होगा। ठीक है जी,
तो यहाँ पे एक टेबल यूज होती है, आगे हम डिटेल में भी पढ़ेंगे इसको, ठीक है, जहाँ पे पेजिंग एंड सेगमेंटेशन हमारा कंसेप्ट आएगा, ठीक है, वहाँ पे पढ़ेंगे, उसके अंदर आपको डिटेल में समझ में आएगा कि किस तरीके से एड्रेसेस जो है वो अलोकेट होते हैं मेन मेमोरी के अंदर, ठीक है जी। तो रिलोकेशन रजिस्टर क्या करता है, आपके फिजिकल एड्रेसेस जनरेट करके और मेन मेमोरी के अंदर मैप करवा देता है, ठीक है जी। कंटिगुअस एलोकेशन, अब मेमोरी एलोकेशन जो होती है एक, वो क्या होती है, वो कंटिगुअस एलोकेशन होती है मेमोरी के अंदर। कंटिगुअस एलोकेशन का मतलब क्या है कि भाई मान लो एक प्रोसेस है वो 10 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 10 उसके पार्ट है, तो 10 के 10 पार्ट क्या होंगे, वो सिक्वेंशियल मेमोरी लोकेशन के अंदर क्या होंगे, स्टोर होंगे। कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन के अंदर क्या होंगे, स्टोर होंगे। मान लो अगर एक पार्ट जो प्रोसेस का है वो 100 लोकेशन के ऊपर अगर स्टोर कर दिया, तो नेक्स्ट जो उसका पार्ट होगा 101 पे आएगा, उससे नेक्स्ट होगा 102 पे आएगा, उससे नेक्स्ट 103 पे आएगा, 4 पे आएगा और अप टू 10 तक, इस तरीके से, ठीक है जी, समझ गए जी। कंटिन्यूअस एलोकेशन कि मेमोरी के अंदर जितने भी ब्लॉक्स हैं आपके, वो कंटिन्यूअस ब्लॉक्स के अंदर क्या होगी, एक प्रोसेस स्टोर होगी, रिजाइड होगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि प्रोसेस का एक पार्ट किसी लोकेशन के ऊपर भेज दिया, दूसरा किसी में भेज दिया, डिफरेंट प्रोसेसेस जो हैं उनको हम डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर रिजाइड करवा सकते हैं, लेकिन सेम प्रोसेस, एक प्रोसेस के जितने भी सब पार्ट्स होंगे, सब प्रोसेसेस होंगी, वो क्या होते हैं, वो कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस के ऊपर क्या होते हैं, रिजाइड होते हैं जी, उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस एलोकेशन, ठीक है जी। तो कंटिगुअस एलोकेशन के अंदर क्या करना पड़ेगा, आपको एम्प्टी स्लॉट फाइंड आउट करनी पड़ेगी सबसे पहले तो मेमोरी के अंदर, ठीक है जी। जैसे एम्प्टी स्लॉट मिलेगी, एम्प्टी स्लॉट का मतलब ये है कि पहले आपको पूरा साइज जो है प्रोसेस का वो एनालाइज करना पड़ेगा और उसके हिसाब से उतने मेमोरी ब्लॉक्स कंटिन्यूसली फ्री है या नहीं है वो चेक करना पड़ेगा, ठीक है जी। और उसके हिसाब से क्या होगा, जहाँ पे कंटिन्यूस ब्लॉक्स फ्री मिलेंगे उस पूरी प्रोसेस को होल्ड करने के लिए, तो वहाँ पे क्या करवा देंगे जी, उस मेमोरी वहाँ पे प्रोसेस को लोड करवा देंगे उन पर्टिकुलर ब्लॉक्स के अंदर, ठीक है जी। देखो दूसरी बताए डायनेमिक स्टोरेज, डायनेमिक स्टोरेज क्या होती है, डायनेमिक स्टोरेज वो होती है जिसके अंदर रन टाइम पे हम क्या करते हैं, कोई भी अगर हमें डेटा को स्टोर करवाना है, कोई भी प्रोसेस को होल्ड करवाना है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, डायनेमिकली असाइन करते हैं कोई भी मेमोरी एड्रेस। यानी कि ऐसा नहीं है कि वो पहले से डिफाइंड है, ठीक है। हमने अभी क्या बताया कि प्रोसेस का साइज आइडेंटिफाई करेंगे, उसके अकॉर्डिंग जहां पे भी खाली जगह मिलेगी वहीं पे हम क्या करवा देंगे, स्टोर लोड करवा देंगे उस प्रोसेस को, वो होती है डायनेमिक स्टोरेज, ठीक है जी। तो इसके अंदर होता क्या है, मान लो एक प्रोसेस 1, 2, 3 ये जितनी प्रोसेसेस हैं, ठीक है, एलोकेट होगी प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3। अब क्या होगा, मान लो प्रोसेस 2 टर्मिनेट हो गई, तो इन बिटवीन क्या हो गया, ये स्पेस फ्री हो गया। अब इस स्पेस के अंदर कोई और प्रोसेस आ सकती है, तो मान लो कोई नेक्स्ट कोई प्रोसेस 4 आ गई, ठीक है, तो वो इसके जगह पे एलोकेट हो गई, ठीक है। लेकिन वो प्रोसेस क्या थी, छोटी थी उससे साइज में, तो क्या होगा, कुछ स्पेस जो है वो फ्री रह जाएगा, वेस्टेड रह जाएगा, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, ऐसा स्पेस जो है वो मर्ज होता है बाद में, जिसको हम बोलते हैं डीफ्रेगमेंटेशन, ठीक है जी। डीफ्रेगमेंटेशन, ये जो प्रोसेस, ये जो मेमोरी स्पेस जो वेस्ट जा रहा है, इस जो प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं हम, फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन, ठीक है जी।
इस प्रॉब्लम को दूर करने की जो प्रोसेस को बोलते हैं डीफ्रेगमेंटेशन, उसके अंदर क्या होता है, ऐसे जो स्पेसीज हैं ठीक है, स्टोरेज होल्स बोलते हैं इनको, ऐसे कोई जो जितने भी स्पेसीज आपकी पूरी मेमोरी के अंदर है उनको आइडेंटिफाई करते हैं और क्या कर देते हैं, सभी को कंबाइन करके एक लार्जर फ्री स्पेस बना देते हैं डीफ्रेगमेंटेशन के अंदर, ठीक है जी। तो क्या होता है, वो एक लार्जर स्पेस है, वो किसी अदर प्रोसेस के द्वारा भी यूज हो सकता है, ठीक है। अब जो मेमोरी जो है, हम यहाँ पे जो ब्लॉक्स की बात कर रहे हैं, इन ब्लॉक्स के अंदर क्या हो रहा है, हम प्रोसेसेस को होल्ड करवा रहे हैं, तो प्रोसेसेस को असाइन करवाने के, मेमोरी जब असाइन करते हैं हम प्रोसेसेस को, तो उसको असाइन करवाने के तीन तरीके होते हैं जी, ठीक है जी। तीन तरीके क्या हैं, एक तो आपका फास्ट फिट है, एक आपका बेस्ट फिट है, और एक आपके क्या है, वर्स्ट फिट। तो फर्स्ट फिट तो बिल्कुल सीधी सी बात है जी, फर्स्ट फिट का मतलब ये है कि जो फर्स्ट मेमोरी जो स्पेस है, जो फर्स्ट मेमोरी ब्लॉक है, उसके अंदर हम क्या करवा देंगे, मेमोरी को स्टोर करवा देंगे। फर्स्ट का मतलब ये नहीं है कि कोई चाहे फर्स्ट चाहे प्रोसेस कितनी बड़ी हो, अगर वो प्रोसेस को होल्ड कर सकता है तो, यानी कि अगर वो ब्लॉक का साइज प्रोसेस के साइज से बड़ा है तो हम उसके अंदर क्या करवा देंगे, उस प्रोसेस को होल्ड करवा देंगे, ठीक है जी। पहला जो भी इनफ ब्लॉक मिलेगा आपको, स्टोरेज होल मिलेगा, उसके अंदर आप क्या करवा दोगे, उसको स्टोर करवा दोगे। बेस्ट फिट, बेस्ट फिट के अंदर क्या करते हैं, यू एलोकेट द स्मॉलेस्ट होल दैट इज बिग इनफ, यानी कि सबसे छोटा होल जो जो ब्लॉक है मेमोरी का, वो आइडेंटिफाई करोगे आप, जो मेमोरी को, जो उस पर्टिकुलर प्रोसेस को होल्ड कर सकता है। मान लो एक ब्लॉक है 10 MB का और प्रोसेस आपकी 3 MB की, तो फर्स्ट ब्लॉक मान लो 10 MB का है, तो उसी के अंदर असाइन करवा दोगे तो वो तो होगी फर्स्ट फिट, ठीक है। और आप क्या करोगे, सारे ब्लॉक्स को चेक करके और आइडेंटिफाई करोगे कि सबसे छोटा होल कौन सा है जो 3 MB से बड़ा है लेकिन सबसे छोटा है, जो उसको होल्ड कर सकता है, ताकि हमारा जो स्पेस है वो वेस्ट ना जाए, ठीक है। तो वो होती है बेस्ट फिट, ठीक है जी। और वर्स्ट फिट के अंदर बहुत ही सिंपल सी चीज है, जो सबसे बड़ा जो मेमोरी ब्लॉक होता है उसके अंदर मेमोरी को अलोकेट कराते हैं, चाहे प्रोसेस को अलोकेट करवाते हैं, चाहे वो कितने ही बड़ी प्रोसेस हो, चाहे उसके अंदर कितना ही मेमोरी स्पेस वेस्ट जाए। तो जाहिर सी बात है, साइज अगर छोटा होगा प्रोसेस का तो मेमोरी वेस्ट तो होगी होगी, इसलिए इसको बोलते हैं वर्स्ट फिट, ठीक है जी। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ भाई।